हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्ट, सिविल इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कटिंग लेंथ ऑफ टू वे स्लैब। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो है ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं ये टू वे स्लैब है। देख सकते हैं बेंट अप बार्स कही है, एंड ये आप देखेंगे ये फ्रेंड्स ये डायरेक्शन में भी बेंट अप बार्स है एंड ये डायरेक्शन में भी बेंट अप बार्स है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कंप्लीट टू वे स्लैब में कितनी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स लगती है, कितनी मेन बार्स होती है, कितनी आप लोगों को प्रैक्टिकली जो है कटिंग लेंथ निकालना रहता है। तो ये मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को फ्रेंड्स कंप्लीट देखना, आप लोगों को डिटेल में समझेगा। तो ये जो कंप्लीट स्लैब है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो कंप्लीट स्लैब है, ये जो डायरेक्शन देख सकते हैं ये मेन बार की डायरेक्शन है, एंड ये है ये जो है ये भी मेन बार है क्योंकि हम लोगों का टू वे स्लैब है। अगर सिर्फ वन वे स्लैब होता था तो ये डायरेक्शन में जो है हम लोगों की सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होती थी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो है ये मेरी मेन बार है, एंड मेन बार को जो एज़ पर ड्राइंग होती है ये जो 10 mm बार है ये अल्टरनेट बेंटअप है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं एक बेंटअप है, आप देख सकते हैं फर्स्ट बेंटअप है, सेकंड स्ट्रेट है, थर्ड जो बेंटअप है आगे भी आप देखेंगे अगेन बेंटअप है। तो इस टाइप से प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आप लोगों को इसकी कटिंग लेंथ निकालने बताने वाला हूँ किस टाइप से आप लोग कटिंग लेंथ निकालेंगे। तो पहले फ्रेंड्स हम लोग कंसिडर करते हैं ये जो डायरेक्शन की बार है इसका कटिंग लेंथ। तो फ्रेंड्स जो एंड एंकरेज लेंथ जो होती है वो एंड स्लैब पे भी डिपेंड करती है। जो एंड लेंथ होती है, अगर कंटिन्यूस स्लैब है, आप देख सकते हैं अगर कंटिन्यूस स्लैब है तो आगे भी स्टील जो आगे का लेंथ होता है स्लैब का वो लेंथ में भी L/3 लेंथ में स्टील जाती है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो स्टील है ये L/3 आगे भी गई है। तो इस टाइप से प्रैक्टिकली जो साइड पे कंडीशंस होगी, कंटिन्यू स्लैब है साथ में अटैच, तो हम लोगों का जो कंटिन्यू बार जाता है उस हिसाब से आप लोगों को कटिंग लेंथ निकालना रहेगा। मैं ये वाली बार की आप लोगों को प्रैक्टिकली कटिंग लेंथ बताने वाला हूँ ये मेन डायरेक्शन की, एंड ये मैं बताने वाला हूँ सेकेंड डायरेक्शन की, एंड थर्ड जो कटिंग लेंथ बताने वाला हूँ फ्रेंड्स ये जो आपको बेंटअप, ये जो बेंटअप बार होती है इसको होल्ड करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्रोवाइड करना रहता है इसकी कटिंग लेंथ बताने वाला हूँ, एंड सेम आप लोगों को इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट राइट में लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स ये जो मेन बार की फर्स्ट कटिंग लेंथ स्टार्ट कर दें। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो है ये स्टार्टिंग में फर्स्ट जो है एंकरेज है। आप अगर कटिंग लेंथ अगर इसकी लेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो कॉलम में है एंकरेज लेंथ है, एंकरेज लेंथ हम लोग 300 mm लेते हैं, एंड इसके बाद में आप देख सकते हैं ये जो स्लैब की लेंथ होगी, ये जो आप देखेंगे ये स्लैब की लेंथ कंसिडर करना है, प्लस आप लोगों का ये जो बेंटअप है, बेंटअप के वजह से फ्रेंड्स जो हम लोगों का 0.42D जो होती है ये हमारी कवर माइनस करके जो हाइट होती है वो होता है 0.42D ऐड करते हैं, एंड ये ऐड करने के बाद में ये देख सकते हैं फ्रेंड्स सेकेंड टाइम ये साइड में जो कॉलम है उसमें एंकरेज प्रोवाइड करेंगे। तो फाइनली हम लोगों की क्या होगी 300 प्लस लेंथ ऑफ स्लैब प्लस 0.42D प्लस सेकेंड एंकरेज लेंथ। इस टाइप से आप लोग ये डायरेक्शन में कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। सेम ये लेंथ में कटिंग लेंथ करने के कैलकुलेट करने के बाद में ये डायरेक्शन में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी कैलकुलेट करना रहेगा, क्योंकि जब आप ये डायरेक्शन का टू वे स्लैब है इसका जो बेंटअप बार्स आती है तो यहाँ पे आप लोग L/5 और L/7 जो भी कंडीशंस होगी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी कैलकुलेट करना रहता है। तो आप देख सकते हैं ये जो है एंकरेज लेंथ प्लस लेंथ ऑफ स्लैब प्लस एंकरेज लेंथ, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कैलकुलेट करना है। सेम आप लोगों का शॉर्टर डायरेक्शन में हो गई, एंड लॉन्गर डायरेक्शन में भी फ्रेंड्स यही करना रहता है। आप देख सकते हैं ये जो मेरी लॉन्गर डायरेक्शन है ये लॉन्गर डायरेक्शन में भी सेम वे में आप लोगों को कटिंग लेंथ कैलकुलेट करना है, एंकरेज लेंथ प्लस लेंथ ऑफ स्लैब प्लस 0.42D प्लस सेकेंड साइड एंकरेज लेंथ। इस टाइप से आप लोगों को मेन बार की कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स जो होगी फ्रेंड्स वो एंकरेज लेंथ प्लस लेंथ ऑफ स्लैब प्लस सेकेंड एंकरेज लेंथ, इस टाइप से आप लोगों को कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है। एंड नंबर ऑफ बार्स जो है, नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करने के लिए लेंथ ऑफ स्लैब डिवाइड बाय स्पेसिंग जो होगी वो बार की स्पेसिंग प्लस 1, देख सकते हैं ये लेंथ ऑफ स्लैब प्लस 1 डिवाइड बाय, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये 150 mm सेंटर टू सेंटर 10 mm डाया ऑफ बार है प्लस 1। तो आप लोगों की ये जो डायरेक्शन में जो स्टील लगने वाली है, ये जो डायरेक्शन में स्टील लगेगी वो हम लोगों को मालूम पड़ जाएगी पूरी डिटेल में।
सेम वे हम लोग लॉन्गर डायरेक्शन में भी नंबर ऑफ बार्स निकाल लेंगे एंड एंकरेज लेंथ जो एल बाई फाइव डिस्टेंस पे जो बेंट अप लिया है तो इसकी भी जो ये लेंथ में जो एल बाई फाइव डिस्टेंस में जो लेंथ आएगी वो डिवाइड बाय स्पेसिंग करेंगे तो वो भी हो जाएगा। इस टाइप से आप लोगों को वन वे स्लैब हो या टू वे स्लैब हो आप लोगों को कंप्लीट कटिंग लेंथ निकालना है इस वे में। तो होप सो फ्रेंड्स आप लोगों को एक बेसिक प्रैक्टिकल अप्रोच समझ में आ गया होगा कि वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब में किस टाइप से कटिंग लेंथ निकालना है और क्या कंसीडर करना है। ये मैं आप लोगों को थियोरेटिकल कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल ट्रेनिंग सीरीज 2 जो आप लोगों का बार बेंडिंग शेड्यूल है इसमें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, एक्सेल शीट में बताने वाला हूँ और कंप्लीट कैलकुलेशन के साथ बताने वाला हूँ। मेरा एक ही कंसर्न है फ्रेंड्स, आप लोग अगर प्रैक्टिकली जिसको नॉलेज नहीं है वो समझ जाएगा कि प्रैक्टिकली किस टाइप से वन वे स्लैब होता है टू वे स्लैब होता है तो आगे जब कटिंग लेंथ निकालेंगे तो उनको हेल्प होगी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो होप सो फ्रेंड्स आप लोगों को एक बेसिक आइडिया टर्मिनोलॉजी कटिंग लेंथ ऑफ स्लैब की समझ में आ गई होगी। ये टू वे स्लैब का वीडियो था फ्रेंड्स, मैंने आप ऑलरेडी वन वे स्लैब की वीडियो बताई है, सिंगल मैच होगी उसकी भी वीडियो बनाई है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।